स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट। पोस्टुलेट एक मैथमेटिकल ट्रू स्टेटमेंट को कहा जाता है और हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HS पोस्टुलेट कहते हैं, ये हमें कंग्रेंट राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए दिया जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन सी ट्राइंगल्स होती हैं? इस तरह की ट्राइंगल्स जिनपे हमारे पास एक एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का होता है, ठीक है, जो हमारे पास इस तरह कॉर्नर टाइप एंगल बनता है और इसकी मेजरमेंट कितनी होती है 90 डिग्रीज, इन्हें हम कहते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। और 90 डिग्रीज के बिल्कुल जो सामने वाली साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। 90 डिग्रीज के बिल्कुल सामने वाली ये जो साइड है, ये वाली, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और कंग्रेंट राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन सी होंगी? ऐसी दो या दो से ज्यादा ट्राइंगल्स जिनकी शेप और साइज बिल्कुल एक जैसे हों, उन्हें हम कंग्रेंट राइट एंगल ट्राइंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, ठीक है। ये दोनों आपस में कंग्रेंट होंगी क्योंकि इनकी शेप भी सेम है और इनका साइज भी एक जैसा है। हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट या HS पोस्टुलेट हमें ये बताता है कि अगर दो या दो से ज्यादा राइट एंगल ट्राइंगल्स में उनका हाइपोटेन्यूज और उनकी साइड, ठीक है, कोई भी एक साइड अगर हम ये ले लें, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, अगर हम ए बी की बात करें तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग DE बनती है। कॉरेस्पॉन्डिंग किस तरह से बनती है? अगर हम ट्राइंगल DEF को इस तरह से ABC के ऊपर पेस्ट करें तो उसके ऊपर एग्जैक्टली पेस्ट हो जाती है। तो अगर हम देखें तो एंगल A के ऊपर एंगल D पेस्ट हुआ है और एंगल B के ऊपर एंगल E पेस्ट हुआ है, और इसी तरह से BC साइड के ऊपर EF पेस्ट हुई है। तो जो साइड्स एक दूसरे के ऊपर या एंगल्स पेस्ट होते हैं वो एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि AB के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी? DE, ठीक है। तो अगर इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और इनके हाइपोटेन्यूज आपस में कंग्रेंट हो, यानी मेजरमेंट में इक्वल हो, तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे ये आपस में कंग्रेंट होती हैं। ये हमें हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट बताता है, और ये पोस्टुलेट सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए होता है। अगर हम इन्हें मैथमेटिकली लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ साइड AB अगर इक्वल हो मेजरमेंट ऑफ साइड DE के, ठीक है, यानी ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बनती हैं, AB और DE, अगर इन दोनों के मेजरमेंट इक्वल हो तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि AB जो साइड है वो कंग्रेंट है साइड DE के, ठीक है। कोई भी एक साइड आपने ले लेनी है, या तो अगर ये वाली साइड लेंगे तो उसके साथ इसको देखना पड़ेगा कि इन दोनों की मेजरमेंट इक्वल है। और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा स्टूडेंट्स? जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होता है, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला हाइपोटेन्यूज है और इसमें ये वाला हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो अगर हम हाइपोटेन्यूज की मेजरमेंट्स भी हमें इक्वल दी गई हो, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ BC इक्वल हो मेजरमेंट ऑफ EF के, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों BC और EF आपस में क्या है? कंग्रेंट है। और ये अगर दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी? कंग्रेंट हो जाएंंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स होनी चाहिए, ठीक है, और इन दोनों के हाइपोटेन्यूज और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, कंग्रेंट होनी चाहिए। तो इन्हें हम कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? आपस में कंग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। अब हम इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट ट्राइंगल्स? हमें तीन ट्राइंगल्स दी गई हैं ABC, और इनमें से हमने बताना है कि कंग्रेंट ट्राइंगल्स कौन सी हैं और स्टेट द रीजन फॉर कंग्रेंसी, और कंग्रेंट क्यों है हमने ये रीजन भी बतानी है। तो अगर हम ए ट्राइंगल को देखें और बी को देखें तो ये दोनों आपस में कंग्रेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और जो बी ट्राइंगल है इसमें कोई भी राइट एंगल नहीं है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स तो आपस में कंग्रेंट नहीं होंगी। लेकिन अगर हम ए और सी को देखें तो ये दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स भी बनती हैं, ठीक है, और उनके अगर हाइपोटेन्यूज को देखा जाए तो इसका हाइपोटेन्यूज भी 6 सेंटीमीटर के इक्वल है और इसका भी 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो अगर हम इस ट्राइंगल को नाम दे दें ABC और इस ट्राइंगल को नाम दे दें DEF, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC जो इसका हाइपोटेन्यूज बनता है, जिसको हम BC कहते हैं, उसकी कितनी मेजरमेंट हमें दी गई है? 6 सेंटीमीटर। और उसकी जो साइड है, जो नीचे वाली साइड है जिसको हम बेस भी कहते हैं, वो कितनी हमें दी गई है? AB, ये कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। और जो एंगल A है वो अगर हम देखें तो वो राइट एंगल है, यानी 90 डिग्रीज है। और इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल में अगर हम देखें तो इन ट्राइंगल DEF, उसमें हमारे पास क्या गिवन है? मेजरमेंट ऑफ DF वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। और उसकी साइड देखें, मेजरमेंट ऑफ DE वो हमें कितनी दी गई है?
3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो साइड है इसको हम कहते हैं कि ये हाइपोटन्यूज है, इसको एच लिख लेते हैं, और ये हमारे पास एस है और ये हमारे पास राइट एंगल है, इसको हम आर से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका एंगल भी लिख लेते हैं, राइट एंगल कौन सा एंगल है, एंगल ई हमारे पास 90 डिग्रीज है। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं कि ये इसका हाइपोटन्यूज है, ये इसकी साइड है और ये इसका राइट एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स भी हैं, इनके हाइपोटन्यूज इक्वल हैं यानी कंग्रेंट है और इनकी साइड्स भी इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल ए बी ए और जो सी है वो आपस में क्या हो जाएंगी, कंग्रेंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए एंड सी आर कंग्रेंट ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू एच एस पॉस्टुलेट, यानी हाइपोटन्यूज पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग उनके हाइपोटन्यूज और उनकी साइड्स आपस में कंग्रेंट हैं और वो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स भी हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, आपस में कंग्रेंट ट्राइंगल्स हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने हाइपोटन्यूज साइड पॉस्टुलेट के बारे में पढ़ा।